अपना पिक्चर देखना है मेरे को। ओके वीर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन इस तरह की ये फिल्म है 21st अक्टूबर को। हाँ जी, आप कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल्स हुए थे फिल्म के रिलीज में, सेंसर बोर्ड में 9 महीने लग गए थे, लेकिन उन 9 महीनों में हम वैंकूवर चले गए, टोरंटो चले गए, लंदन चले गए, फिल्म फेस्टिवल से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। PIL जो था, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आर कंट्री ने सपोर्ट किया है फिल्म को। 24 आवर्स के अंदर अंदर PIL डिफीट हो गई थी, क्वाश हो गई थी, इनफैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। आई थिंक जब ये कठिनाइयाँ आती हैं फिल्म के रिलीज़ में तो सपोर्ट भी बढ़ जाता है फिल्म के लिए। बहुत बड़ी पंजाबी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है जो इस फिल्म को देखना चाहती है, और अवेयरनेस क्रिएट हुई है इस फिल्म के बारे में। जी बिल्कुल, बहुत पंजाबी कॉलेजेस में दिखाई गई है, गुरुद्वारों में दिखाई गई है, अक्रॉस द बोर्ड अच्छा रिस्पांस मिला है। इम्पोर्टेंट फिल्म है लोगों को देखने के लिए। उनको काम पसंद आए, उनको याद आए कि क्या हुआ था 31 अक्टूबर को, और इंशाल्लाह वो आके देखे कि कैसे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग और पंजाबी लोग एक साथ आए एक कम्युनिटी की मदद करने के लिए। कौन कौन आने वाला है? जो भी आएगा, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, फिल्म देखेंगे, मुझको इतना मालूम नहीं लेकिन कुछ दोस्त आएंगे। ठीक, कूल, थैंक यू गाइस, थैंक यू। वो तो आते नहीं, आप जानते हो ना। थैंक यू। 31 अक्टूबर करेक्ट, क्योंकि आप दिन बहुत ही नज़दीक आ गए, कई सारी प्रॉब्लम के बाद फिल्म अब रिलीज होने वाली है। मैं ऑब्वियसली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जैसे आपने कहा, ये फिल्म हम चाहते थे कि पिछले साल 31 अक्टूबर को रिलीज़ हुई, लेकिन नहीं हो पाई, सेंसर में अटकी 9 महीने। फिर कुछ PIL फाइल हुए थे फिल्म के खिलाफ, लेकिन अभी फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली है। नाम है 31 अक्टूबर, रिलीज डेट है 21 अक्टूबर। टीम बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि फिल्म को कई सारी प्रॉब्लम्स के बाद हमने देखा, फिल्म को PIL भी हुआ और थोड़ा सा सेंसर में भी प्रॉब्लम हुआ, तो अब फिल्म अब रिलीज़ होने वाली है, तो खुश है आपकी सारी प्रॉब्लम के बाद अब फिल्म जो है रिलीज हो रही है? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, और एक्चुअली एक अच्छी बात निकली प्रॉब्लम्स के ज़रिए, वो ये था कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को सपोर्ट करने बाहर आए, whether it was the Gurdwara committee, whether it was across political parties, whether it was students Khalsa College se lekar to in all communities actually, lots of people have said ki aapki film problem mein hai, hum aapki film dekhna chahte hain, bahut khush hai ki ye sachi kahani pehli baar bade screen par aap darsha rahe hain ye kahani, to we want to support your film, jo hume bahut acha laga. Kuch bura lagta itna itna sa subject hone ke bawajood bhi censor mein film ne maine अफ कोर्स बुरा लगता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम खुश हैं कि एटलीस्ट एंड में 40 कट मांगने के बाद अंत में सिर्फ 9 कट मिले इस फिल्म को, और एंड में सेंसर बोर्ड ने भी कहा कि उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी, सो आई एम हैप्पी एटलीस्ट दैट नाउ इट इज़ रिलीजिंग, बट ऑफ कोर्स जब टाइम लगता है तो नुकसान होता है सबको। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको नहीं लगता कि सीन कट नहीं होने चाहिए, कट होता है तो कहीं ना कहीं मूवी का मजा चला जाता है? देखिए, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, तो मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करती हूँ, और मैं मानती हूँ कि CBFC का काम है कट नहीं करना, लेकिन एक सर्टिफिकेशन देना कि आप इस उम्र के हो तो आप फिल्म देख सकते हैं, या इस उम्र के ऊपर के लोग ही देख सकते हैं इस फिल्म को। आई डू थिंक दैट दे मेक टू मेनी कट्स। हमें ऑडियंस को बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, ऑडियंस को खुद डिसाइड करना चाहिए उनको कुछ अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे। मैं तो अपनी फैमिली को ऐसे बैठा के नहीं दिखाती हूँ, मेरी फैमिली खुद डिसाइड करते हैं उनको फिल्म देखना है या नहीं, और मुझे गर्व की बात ये है कि अम्मा ने खुद मुझे बताया कि उनको प्रोमो बहुत अच्छा लगा। उनका एक सर्कल है, 7 लोगों का सर्कल, वो उस टाइप की माँ नहीं है जो हर फिल्म अपनी बेटी या बेटे का देखे, अच्छी फिल्में देखती हैं वो, तो उनके पास टाइम कम है, मतलब वो सोच समझ के, बहुत कीमती समय है उनका, और इस बार उन्होंने कहा कि आपका प्रोमो बहुत ही अच्छा है और मैं ये फिल्म देखना चाहती हूँ, एंड यू हैपन टू बी इन दिस फिल्म, तो इत्तेफाक की बात है कि आप इस फिल्म में हो जी। और आज जो
मैरिज लेडी के लिए सबसे बड़ा अच्छा दिन होता है वो हमने सुना है कि आप मतलब बिलीव तो नहीं करती, लेकिन देखिए कुछ कहना चाहेंगे अपने कुणाल के लिए, अपने कुणाल के लिए, अपने प्यार के लिए? मैंने पिछले साल करवा चौथ रखा था, मुश्किल है, जो लोग रख रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक कि नेसेसरी है, आपकी इच्छा है, अगर आप रखना चाहे या ना रखना चाहे। कुणाल की फैमिली में और हमारी फैमिली में ट्रेडिशनली नहीं है करवा चौथ रखने का, लेकिन क्योंकि हमारी पहली शादी का पहला साल था पिछले साल, मुझे लगा कि रखना चाहिए। आई थिंक कि जो मैंने एक दिन खाना नहीं खाया वो ज़िंदगी भर के लिए कुणाल का कुणाल को होपफुली सुरक्षित रखेगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुशी होती है जब अपने दोस्तों की पिक्चर रिलीज़ हो रही है, तो आज वीर और सोहा की फिल्म रिलीज़ हो रही है तो उनके सपोर्ट के लिए मैं आई हूँ। एंड एज यूजुअल एक्सपेक्टेशन यही है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी, एंड द रेस्ट वील गेट टू नो आफ्टर द फिल्म रिलीजेस। थैंक यू। 31 अक्टूबर जैसे कि एक थैंक यू आई हैव टू।